फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पेंशन सुधार को बनाई गई एक योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। गुरुवार को प्रदर्शन के चलते ट्रेन फ्लाइट सहित कई सेवाएं बाधित हो गई, कई स्कूल बंद कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक नई पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाएगी। एक नए बिल सांसद से पारित होने के बाद रिटायरमेंट की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 कर दिया गया है। साथ ही पूरी पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा काल की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने बताया कि नई पेंशन योजना के प्रस्ताव के तहत 2027 से लोगों को पूरी पेंशन लेने के लिए कुल 43 साल काम करना होगा। अभी तक की न्यूनतम सेवा जो है 42 साल थी। इसके विरोध में पेरिस समेत 200 शहरों में प्रदर्शन हुए।